किसी भी इलाके के विकास की कहानी सड़कों से शुरू होती है। खराब सड़कें राज्य की दरिद्रता के साथ प्रदेश के लचर व्यवस्था व राजनीतिक दृष्टिकोण का भी परिचायक होती है। ऐसे ही एक सड़क सिंगरौली और सीधी को जोड़ती है, जो पिछले 7 वर्षों से अपने अस्तित्व की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश का कागजों में सबसे अधिक संपन्न जिला सिंगरौली 50 किलोमीटर की सड़कों की हालत इतनी खराब है कि कई मौतों का कारण बन चुकी है। NH-75 जो आज NH-39 के नाम से जाना जाता है, पिछले 7 सालों से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। मनमोहन सिंह की सरकार ने NH-75 की आधारशिला रखी थी, लेकिन आज भी अपने अस्तित्व की पटकथा लिखने को बेताब है। भाजपा कांग्रेस पर, कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाकर इस सड़क की दुर्दशा पर राजनीतिक रोटियां सेक रही है और जनता धूल खाने को मजबूर है। खराब सड़कों ने शहर की इस कदर दुर्दशा कर दी है कि लोगों को शहर में आने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। हर दिन भारी भरकम ट्रैफिक जाम और सड़क पर अकाल मौत अब आम सी बात लगने लगी है। वहीं स्थानीय लोग इनका जिम्मेदार यहाँ की कमजोर राजनीतिक हस्तक्षेप को मानते हैं। सिंगरौली सीधी से होते हुए रीवा से रांची की ओर जाने वाली यह बदहाल सड़क अब लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। सबसे पहले तो सिंगरौली जिले में आवागमन के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है, आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लगभग 7 वर्ष से इस रोड का NH-39 का काम चल रहा है, अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। सड़कों में यदि कुछ विकास हुआ है तो गड्ढों का विकास हुआ है। सड़क पे पहले गड्ढे कम हो सकते थे, अब बहुत ज़्यादा है और बढ़ा है तो धूल बढ़े हैं और मौतें बढ़ी हैं। ये सड़क लोगों के घर उजाड़ने का एक परिचायक बन गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।